कौन हो? तू चिल्ला रही थी। मिस्टर गु, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां तमीज बहुत मैटर करती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये फ्रूट बास्केट तैयार की है। हम उन्हें ये बास्केट देंगे और मीठी बातें करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। बस बहुत हुआ, हम यहाँ बॉडीगार्ड हायर करने आए हैं, मूव सीखने नहीं, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम था उसका? सूजी कुछ कहा था ना? सूजिंग जिंग। बालूड सर, ये एकदम ताजे हैं। एक बार ट्राई कीजिए, बस एक बार। रहने दे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और एक बात, अगर ये काम नहीं हुआ ना तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, समझ लो। मिस्टर गु, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। चाय। शुक्रिया। हम आ गए हैं, तो चलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मिस्टर गु सू जिंग जिंग को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं। क्या ये सच है? तो आप कहाँ काम करते हैं? ये गु, हमने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हाल ही में शुरू की। मिस्टर गु, आपकी बॉडीगार्ड मेरी बेटी ही क्यों? क्या आपको किसी से कोई खतरा है? असल में तो नहीं। बिल्कुल नहीं। मिस्टर गु इतने कामयाब हैं कि लोग इनसे जलते हैं। तुम सच में जिंग जिंग को नहीं जानते। जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा था, तुम उसे क्यों हायर करना चाहती हो ये बताओ। बात ऐसी है, कुछ दिन पहले मैं आपकी बेटी से मिला। मैंने देखा वो एक अच्छी फाइटर है, तो मैंने छानबीन की और मुझे पता चला वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से, जो कि अच्छी बात है। देखा, ये बड़े उस्ताद हैं, सब पता लगा लिया ने तो। हाँ। मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं कह रहा था कि जिंग जिंग हमारे फैमिली सू की 18th जनरेशन है, और उसके ऊपर हमारे पूरे परिवार की उम्मीद जुड़ी हुई है। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, उसकी सैलरी उसके काम के हिसाब से ही होगी। हाँ? गंदे आदमी, तुम यहाँ क्यों आए? मेरे को पता था तुम लोग हो ही नौटंकी। अबे आजकल हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। हाँ, चलो अब फूट दो ऐसे। गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूँ। सही कहा, असल में जो हुआ था वो। तुम उसे सपोर्ट मत करो, तुम्हें पता भी है क्या हुआ था? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके हाथ यहाँ पहुँच गए थे। किसका हाथ था? किसका था वो? इसे नीचे रख दीजिए। तू भी शामिल था? मतलब मैं था क्या? मैं नहीं था। तेरे को लगता है या मजाक चल लिया? डैड, बात हुआ, उन्हें बाहर फेंक दो। हाँ ठीक है, मैं चले जाऊंगा। हमसे दूर रहो। हाँ नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो। अरे वो फल। यह बात नहीं बनने वाली। मिस्टर गु, शायद हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अच्छे से समझाएंगे तो काम बन जाएगा। क्या समझाओगे? देखा नहीं वहां पर क्या हुआ था? कार लेकर आओ। हाँ। मिस्टर गु, अरे पकड़ो, चलो अगवाद। मिस्टर गु, मॉम, गरम पानी नहीं है। मॉम, डैड फिर से बिल पे करना भूल गए क्या? मेरे साथ ही ऐसा होता है। मॉम, मेरी मदद करिए, साबुन आंखों में चला गया। जल्दी मॉम,
वो हमेशा बिल देना भूल जाते हैं। पानी हमेशा शावर के वक्त ही खत्म हो जाता है। गुस्सा आता है। बस काफी है। तुम कौन हो? तू चिल्ला रही थी। हे जिंग जिंग, क्या कर रही हो? तलवार गाय मेरी। अबे तू एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। तू तुम्हारी बेटी ही मेरे ऊपर गिरी थी। मुझे लगा तुम मेरी मॉम हो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने बाथरोब पहना था, तुम जान जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं मार दूंगा तेरे को। वहीं रुक जा। जिंकवे, हाँ हटा उसे। हाँ मैं तो बस ट्राई कर रहा था। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी है। तुम यहाँ आए बिना किसी वार्निंग के। अब बहुत सारे फ्रॉड्स बाहर खड़े हैं, मुझे कहना पड़ेगा। क्या पता तुम भी फ्रॉड हो। मैं वैसा दिखता हूँ क्या? क्या पता, मैं एडवांस देता हूँ। हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो तो रहा है। अच्छा चिंग चिंग अभी भी एक योद्धा है। वो हालांकि तेरे साथ 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकती उसे, लेकिन रात में घर आना ही होगा। आप उसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ? उसे इस घर में मत रखो मॉम। सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, मैं अपने ब्यूटी पार्लर की सैलरी से इस घर को नहीं चला सकती हूँ। वो यहाँ रहेगा तो मेरी प्राइवेसी नहीं रहेगी। उससे क्या ही अच्छा होगा? क्या तुम पैसे कमा रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि उस एनिमेशन डिजाइन बेकार की चीजों पे टाइम मत बर्बाद करो, लेकिन तुम सुनती ही कहाँ हो, इतनी जिद्दी हो तुम। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ ना, ये इंडस्ट्री की गलती है। इसीलिए तुम्हें एक पार्ट टाइम वर्क की जरूरत है। मुझे ये रूम चाहिए। बिल्कुल नहीं। खैर ये मेरा रूम है। मिस्टर गो, आपको ये रूम पसंद है ना? तुम्हारी पसंद अच्छी है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा रूम है। तो एक जरूरी किरायेदार को कहाँ रहना चाहिए? ये जरूरी किरायेदार बहुत शाइनी है, तो इसे सबसे बेकार रूम में रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं 10% पे करता हूँ। बिल्कुल नहीं। डील डन मिस्टर गू। तो आप कब शिफ्ट कर रहे हो? इसी वक्त से। हाँ